हेलो फ्रेंड्स, मैं जय आपका विशेष ज्ञान में स्वागत है। और आज की मेरी वीडियो जीएसटी के ऊपर है, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करूंगा फ्रेंड्स कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं इसी तरह की वीडियोज और भी लाते ही रहूँगा। जैसे मैं खुद अपडेट हूँगा, मैं आपको भी कोशिश करूँगा कि अपडेट करता रहूँ। चलिए आज हम बात करेंगे कि मैं जीएसटी में आपको आज ऐसा क्या बताने जाऊँ। तो फर्स्ट तो मैं आपको ये बताऊँगा कि क्या जीएसटी के अंदर आपको रोड परमिट की जरूरत पड़ेगी, तो एक मैं टॉपिक ये कवर करूंगा अपने वीडियो में। और सेकंड टॉपिक है कि आपको जीएसटी रिटर्न कितनी फाइल करनी है और किस तरीके से करनी है। ये मैं करके नहीं दिखाऊंगा, बस आपको बताऊंगा कि किस तरीके से करनी है। तो फर्स्ट टॉपिक हम ले लेते हैं कि जीएसटी रिटर्न आपको कितनी फाइल करनी है और किस तरीके से करनी है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको मालूम है कि 1 जुलाई से उम्मीद है कि जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगी इंडिया में। तो उस सिचुएशन में क्या है कि जैसे गवर्नमेंट ने अभी भले ही ये निकाल दिया कि 1 जुलाई को जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगी, आप जो ट्रांजेक्शन करेंगे उसकी जो रिटर्न नियम से आपको अगस्त 10 तक करनी थी, वो आपको 1 महीने के लिए बढ़ा दी गई है कि आप सेप्टेम्बर तक कर सकते हैं। लेकिन मैं अभी नॉर्मली बात करूंगा कि आगे जो होगा, भले आपको फर्स्ट टाइम ऐसा मौका दिया गया लेकिन हर बार ऐसा मौका नहीं दिया जाएगा। तो मैं आपसे इस बार की बात नहीं करके मैं हमेशा जो जनरली वे है जिस तरीके से आपको करनी है उसकी बात करूंगा। तो मान के चलो आपने 1 जुलाई से जीएसटी एप्लीकेबल हो गए इंडिया में, आपने जो भी परचेज और सेल्स की ट्रांजेक्शन करना स्टार्ट कर दिया। अब आपको क्या है कि 10 अगस्त को यानी कि उसके नेक्स्ट मंथ में आपको, अगर आप रेगुलर डीलर हैं तो आपको रिटर्न फाइल करनी है अपनी सेल की। याद रखें, आपको 10 तारीख तक रिटर्न सेल की फाइल करनी है अगर आप रेगुलर डीलर हैं। और इस रिटर्न को हम नाम देंगे GSTR1। ठीक, इसमें अगर आपने B2B यानी कि आप बिजनेसमैन है और सामने वाला भी बिजनेसमैन है, उस सिचुएशन में अगर आपने सेल की है तो आपको इनवॉइस वाइज आपको वहां पर एंटर करनी है। लेकिन अगर आपने B2C यानी कि कंज्यूमर को सेल किया है, उस सिचुएशन में आपने पूरे महीने में जितना सेल किया उसका टोटल अमाउंट आप डाल देंगे वहां पर। लेकिन वहां पर एक कंडीशन है कि अगर आपने इंटर स्टेट यानी कि अनदर स्टेट में किसी को बेचा और 2.5 लाख से अबव अमाउंट है और वो कंज्यूमर है, तो उस सिचुएशन में आपको उसकी पूरी डिटेल डालनी होगी। वहां पर एक अमाउंट डालने से काम नहीं चलेगा। तो आप समझ गए कि अगर आपने B2C सेल की है अपने स्टेट के अंदर, तो उस सिचुएशन में आपको पूरी टोटल पूरे महीने की आपको वहां पर एंटर करनी है। आपने किसी डीलर को दिया है माल, तो उस सिचुएशन में आपको इनवाइस वाइज एंटर करनी है। अगर आपने अदर स्टेट में दिया है और 2.5 लाख से ऊपर का अमाउंट है, तो उस सिचुएशन में आपको पूरी डिटेल डालनी होगी जीएसटी नेटवर्क पर, उसके पोर्टल पे जाकर। और अगर आपने कोई डेबिट और क्रेडिट नोट भी इशू किया है तो वो भी आपको GST1 में आपको अपलोड करना होगा। चाहे आपकी सेल इंटर स्टेट हो या इंट्रा स्टेट हो, आपको GST1 में आपको अपलोड करना होगा। इंटर स्टेट मतलब होता है कि आपने अनदर स्टेट में भी सेल कर रहे हैं, और अगर इंट्रा स्टेट का मतलब होता है कि आप अपने ही राज्य में सेल करते हैं। अब मैं बात करूंगा कि ये तो बात हुई आपकी, आप सप्लायर आपने GST1 में आपने इंटर कर दिया 10 तारीख को, मान के चलो जुलाई की आपकी पूरी ट्रांजेक्शन से आपने 10 अगस्त को इंटर कर दिया। तो जो सामने वाला है जिसे आपने सेल किया है, उसे 10 से 15 के बीच में उसके पोर्टल पे चला जाएगा, ये जो आपने अपलोड किया है वो उसके पोर्टल पे चला जाएगा और उसे दिखाई देने लगेगा। उसे हम GSTR2A के नाम से जानेंगे। और अगर वो बंदा, वहाँ पर दो सिचुएशंस होंगी, या तो वो उसे तुरंत एक्सेप्ट कर लेगा, अपने अकाउंट से मिला के जो भी आपने डाली है वो मैच हो गई तो वो तुरंत एक्सेप्ट कर लेगा। अदरवाइज अगर उसमें कुछ उसे प्रॉब्लम होगी, कुछ अल्ट्रेशन करनी होगी, मॉडिफाई करना होगा या कुछ एडिशन करनी होगी, तो उस सिचुएशन में वो कर सकता है। तो इसका मतलब है कि जैसे आपने दिखाया कुछ और बिल मान लीजिए आपने वहाँ पर एंटर किया कुछ, लेकिन सामने वाले के पास आपने जो माल भेजा है उसमें जो बिलिंग की है उसमें कुछ है, आपने वहाँ मिस्टेक कर दी है फिल करने में, तो वो वहाँ पर उसमें अल्ट्रेशन या मॉडिफाई कर सकता है। लेकिन कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपने उससे अपने सेल के समय 10 बिल सेल किए हैं, लेकिन आपने जब अपलोड किया है तो आपने 8 बिल ही दिखाए हैं, 2 नहीं दिखाना भूल गए आप, तो उस सिचुएशन में क्या है कि वो उसमें एडिशन करेगा। तो जैसे वो या तो एक्सेप्ट कर ले मैच करके, या वो उसमें एडिशन या अल्ट्रेशन करने के बाद एक्सेप्ट कर ले, तो उस जो वो जो
एक्सेप्ट करेगा उसे हम GSTR 2 के नाम से जानेंगे, और उसी के बाद जैसे वो एक्सेप्ट करेगा आपके पोर्टल पे दिखाई देगा कि उसने ये एक्सेप्ट किया या एडिशन किया है, उसे आप GSTR 1A के नाम से जानेंगे। अगर वो नॉर्मली एक्सेप्ट कर लेता है, यानी कि आप दोनों के पूरे डाटा मैच कर जाते हैं और वो एक्सेप्ट कर लेता है, तब तो कोई दिक्कत नहीं। अगर वो मिसमैच होते हैं तो उस सिचुएशन में क्या है कि आपको वहाँ से ऑफिस से, मतलब GSTR नेटवर्क से आपको नोटिस आएगी कि आप लोग के डाटा मिसमैच हो रहे हैं, आप आपस में मिला लें डाटा। इसके लिए आपको 17 तारीख की डेट दी जाएगी, 17 तारीख तक आपको टाइम दिया जाएगा, जैसे कि नॉर्मली है 10 से 15 के अंदर, वहाँ आपको 17 तारीख तक टाइम दिया जाएगा कि आप अपने मिसमैच को मिला लें। आपने मिला लिया मिसमैच, या नॉर्मल वे में आपका सही था, बिल्कुल परफेक्ट था, मैच कर रहा था, आपने एक्सेप्ट कर लिया, उसके बाद आपको 20 तारीख, जो महीने की 20 तारीख है, वहाँ पर आपको इनपुट और आउटपुट कैलकुलेट करके अपलोड करना है कि आपका इनपुट क्या, आपको आउटपुट में अपना इनपुट घटा लेना है और जो आपका बन रहा है टैक्स लाइबिलिटी आउटपुट में, वो आपको वहाँ पर अपलोड कर देना है, उसे हम GSTR 3 के नाम से जानेंगे। आप यहाँ पर ये जान लें कि अगर मिसमैच हो रहा है और आप लोग सॉर्ट आउट नहीं कर पा रहे हैं, मान लीजिए आप लोग को बहुत टाइम लग जा रहा है सॉर्ट आउट करने में, पूरा महीना निकल जा रहा है, तो गवर्नमेंट आपको जो 20 तारीख है वहाँ पर आपको इनपुट की क्रेडिट जरूर दे देगी, लेकिन आपको सिर्फ 1 महीने का टाइम मिलेगा सॉर्ट आउट करने का। अगर आप सॉर्ट आउट कर ले तो ठीक, नहीं तो जो रिसीवर है जिसने माल एक्सेप्ट किया है, बाद में उसको जो इनपुट दिया जाएगा उससे वो इनपुट रिवर्स कर लिया जाएगा। इसीलिए GST में जो GST नेटवर्क है वहाँ पर रेटिंग भी तय की गई है डीलर की, ताकि आप डिफाइन कर पाए कि किससे आपको माल परचेज करना है, किससे नहीं परचेज करना है। अगर कोई डीलर जानबूझ के डिफॉल्ट करता है या बार बार डिफॉल्ट करता है तो उसकी रेटिंग बेकार होगी, वहाँ पर उससे माल नहीं परचेज करने, तो आपके ऊपर वैट इसकी GST के जो टैक्सेज है इसकी इनपुट की सारी लाइबिलिटी आपके ऊपर पड़ जाएगी। मान लो आपने परचेज किया सामने वाले से, उसने आपने टैक्स पेड कर दिया, लेकिन उसने वहाँ गवर्नमेंट के पास टैक्स पेड नहीं किया है, तो उस सिचुएशन में क्या है, आपने पेड कर दिया लेकिन आपको उसकी इनपुट की क्रेडिट नहीं मिल पाएगी। तो ये चीज को भी आप ध्यान से देख लेंगे। अगर आपने मान के चलो पूरे महीने में कोई ट्रांजेक्शन नहीं की, आपकी नील गई है, ना परचेज किया ना सेल किया, कुछ नहीं किया आपने, तो भी आपको रिटर्न फाइल करनी है, कंपल्सरी है, भले आपको जीरो में फाइल करनी है लेकिन करनी जरूर है आपको। और अगर आपने मान लीजिए अनरजिस्टर्ड डीलर से परचेज किया है गुड्स, तो उस सिचुएशन में भी आपको GSTR 2 के अंदर अपना डेटा पंच करना पड़ेगा जो आपने परचेज किया है। और अगर आप रिटर्न टाइम से फाइल नहीं करते हैं तो आपको 100 रुपीज पर डे के हिसाब से पेड करना पड़ेगा, जो कि मैक्सिमम 5,000 रुपीज तक हो सकता है। और आप रिटर्न फाइल करते वक्त ये बात का ध्यान रखेंगे कि आपसे रिटर्न फाइल करने में कोई मिस्टेक ना हो, क्योंकि यहाँ पर आपको एडिशन ऑल्ट्रेशन का कोई प्रोविजन नहीं दिया गया है। सिर्फ आपको साल में एक बार जब आप एनुअल रिटर्न फाइल करेंगे उस समय आप अल्ट्रेशन या एडिशन कर सकेंगे। तो इसीलिए आपको रिटर्न फाइल करते वक्त बहुत ही सावधानी बरतनी है कि कोई मिस्टेक्स ना हो रिटर्न फाइल करने में। और अगर हम बात करें कंपोजिशन डीलर की, तो उसे क्वार्टरली रिटर्न फाइल करनी है और उसे GSTR 4 में रिटर्न फाइल करनी है। और एक और रिटर्न फाइल करनी है जो GSTR 9 है, वो एनुअल रिटर्न है। मान के चलिए जैसे ये फाइनेंशियल ईयर 2017 है, तो इसका मान लीजिए कि आपकी ईयर जो है एंड होगी 31 मार्च 2018 में, तो आपको 31 दिसंबर 2018 तक एनुअल रिटर्न फाइल करनी है। और अगर आपकी ऑडिट वगैरह होती है तो उसे भी आपको GST नेटवर्क पर अपलोड करना होगा। और अगर आप एनुअल रिटर्न टाइमली फाइल नहीं करते हैं तो आपको पर डे के हिसाब से 100 रुपये दिन पेड करने होंगे, या आपको आपकी टर्नओवर का 0.25% पेड करना होगा। इन दोनों में से जो अधिक होंगे वो आपको पेड करना होगा। और फ्रेंड्स, अगर आपने अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल कराया तो भी आपको एनुअल रिटर्न फाइल करनी होगी कि आपने मतलब क्या स्टॉक्स वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको फाइल करनी होगी। TDS के लिए अगर आप TDS करते हैं तो उस सिचुएशन में भी रिटर्न फाइल करनी होगी, उसके लिए अलग GSTR है।
टीसीएस के लिए अलग जीएसटी आ रहा है। अब फ्रेंड्स हम बात करते हैं रोड परमिट की, तो क्या आपको जीएसटी में रोड परमिट जोड़ी है? तो फ्रेंड्स मैं बता दूं कि जैसे कि वैट में मैं बात कर लेता हूं बिहार की, क्योंकि मैं बिहार से हूं, मैं अदर स्टेट की अभी बात नहीं कर रहा हूं। तो यहां पर वैट में भी पहले था 70,000 से ऊपर का, अगर आप माल सेल आउट कर रहे हैं, डिलीवर कर रहे हैं, तो उस समय आपको सुविधा नंबर कह के था कि आपको वहां पर उनके पोर्टल पे जाके वहां पर सारी डिटेल डालनी पड़ती थी, और वहां से आपको प्रिंट आउट निकाल के जब आपको डिलीवर करना है तो उसके साथ लगा के देना पड़ता था। उसके बाद उस लिमिट को 2 लाख कर दिया गया था। तो उसी तरीके से जीएसटी में भी ई वे बिल यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वे बिल करके आपको मतलब नेसेसरी पड़ेगा, और आपको उसको नेट पर अपलोड करना होगा अपनी सारी डिटेल्स को। अगर आप 50,000 या उससे ज़्यादा की सेल कर रहे हैं बी टू बी, यानी कि अगर आप डीलर हैं और अनदर डीलर को आप सेल कर रहे हैं 50,000 या उससे ज़्यादा की, तो आपको ई वे बिल जनरेट करना होगा उनके पोर्टल पे जाके, और आपको सारी डिटेल डालनी होगी। अगर आप चाहें तो आप 50,000 से नीचे का भी अगर आप सेल आउट करें तो भी आप ई वे बिल जनरेट कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसकी लिमिट रखी गई है 50,000 या उससे ऊपर की। अगर मान के चलिए आप किसी को गाड़ी में माल पहुंचा रहे हैं अपनी पर्सनल गाड़ी में, तो उस सिचुएशन में भी आपको ई वे बिल जनरेट करनी है। या आप ये मान के चलिए कि आपने जब ई वे बिल जनरेट की, आपने किसी गाड़ी को हायर किया है, उससे आप माल भेज रहे हैं, रास्ते में जाके वो गाड़ी पंक्चर हो जाती है, उसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ जाती हैं और आप गाड़ी चेंज कर रहे हैं अदर कैरिंग वैन वगैरह में, आप उस प्रोडक्ट को डिलीवर करना चाह रहे हैं, तो उस वक्त भी आपको फिर से ई वे बिल जनरेट करना होगा। ई वे बिल में टाइम पीरियड से वो मैं अभी आपको आगे डिक्लेयर कर देता हूँ कि उसकी क्या टाइम पीरियड है, कि आपको कितने देर के अंदर या कितने समय के अंदर माल को डिलीवर करना है, या ई वे बिल आप कैंसिल कर सकते हैं कि नहीं। अगर आप मान लीजिए आपने जनरेट कर लिया और बाद में आपको प्रोडक्ट भेजने में दिक्कत है या आपका प्रोडक्ट रेडी नहीं हो पाया है, तो वो भी मैं आपको बता रहा हूँ आगे। और फ्रेंड्स अगर आपने ई वे बिल जनरेट कर लिया है और आपने गुड्स 24 आवर्स के अंदर डिलीवर नहीं किया है, तो इस सिचुएशन में आपको वहां जाके जीएसटी नेटवर्क पे जाके उसको कैंसिल भी कराना होगा। अगर आपने कैंसिल नहीं कराया तो ये एज्यूम किया जाएगा कि आपकी गुड्स ऑन द वे है, आपकी गुड्स डिलीवर्ड हो चुकी है, मतलब रास्ते में है। तो उसे पहले अगर आपने डिलीवर्ड नहीं कराया तो जरूर उसे जाकर कैंसिल जरूर कर लें। और फ्रेंड्स अगर आपने ई वे बिल जनरेट कर ली और उसकी वैलिडिटी मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ, उसकी टाइम लिमिट्स मैं बताने जा रहा हूँ, तो अगर मान के चलो डीलर और सेलर के बीच का डिस्टेंस 100 किलोमीटर तक है, तो उस सिचुएशन में उसकी वैलिडिटी 24 आवर्स तक ही रहेगी। अगर 100 से 300 किलोमीटर के बीच का डिफरेंस है तो उसकी वैलिडिटी 72 आवर्स रहेगी, और 300 टू 500 किलोमीटर का डिस्टेंस है तो उस सिचुएशन में उसकी वैलिडिटी 120 आवर्स रहेगी, और अगर 500 टू 1000 किलोमीटर का डिस्टेंस है तो उस सिचुएशन में उसकी वैलिडिटी 10 डेज रहेगी, और अगर 1000 किलोमीटर से ज़्यादा का है तो 15 डेज उसकी वैलिडिटी रहेगी। और फ्रेंड ध्यान रखना है, जब आप ई वे बिल जनरेट करेंगे तो उस सिचुएशन में आप उसमें जो पंच करेंगे डाटा वो बिल्कुल परफेक्ट पंच करें, क्योंकि अगर आपने कुछ मिस्टेक्स पंच की और आपने जब डिलीवर किया माल कुछ और जा रहा है और रास्ते में चेकिंग हो जाती है, तो उन जो ऑफिसर उनके पास डिवाइस रहेगी उस वक्त वो वहाँ से खड़े खड़े ही देख लेगा कि आपके पास जो माल है और आपने जो पोर्टल में डाला है, जो ई वे बिल जनरेट किया है, वहाँ पर आपने क्या दिखाया है। तो अगर कुछ डिफरेंस आया तो आपको भारी पेनल्टी और इंटरेस्ट लगेगा। तो फ्रेंड्स मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को मेरा ये वीडियो समझ में आया होगा और आपके लिए हेल्पफुल भी हो आगे। तो फ्रेंड्स अगर समझ में आया है और अगर हेल्पफुल लगा है आपको कि मेरा वीडियो आपके लिए कुछ भी हेल्प कर सकता है, मेरा वीडियो आपके लिए,
तो उस सिचुएशन में आपसे मैं सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि अभी के समय ये नॉलेज सबके साथ शेयर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो भी आपके फ्रेंड्स हैं या रिलेटिव्स हैं उन्हें भी इस चीज़ की जानकारी होना बहुत जरूरी है। थैंक यू फ्रेंड्स।